दूरदर्शन न्यूज। लोग बता रहे हैं अगल बगल की घटनाओं का जिक्र करते हैं, फायरिंग का, मर्डर का, अपहरण का, रंगदारी का, तो ये चीज मैं सिवान से सुन रहा हूँ। चंपारण में गठबंधन सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ने का जो भय था वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। प्रशांत किशोर जनसुराज पदयात्रा के दौरान सारण में पत्रकार वार्ता के मध्यांतर राज्य सरकार की विफलताओं को गिनवाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले एक महीने से एक बात जो सबसे ज्यादा सुनने को मिल रही है वह है कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होना। ये बात सिवान में बहुत सुनने को मिली, उसके बाद फिर सारण छपरा में भी सुनने को मिल रही है। हर दिन लोग मिलते हैं और बताते हैं कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद जो डर लोगों के मन में था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने आसपास की घटनाओं का जिक्र करते हुए गोलीबाजी, मर्डर, अपहरण, रंगदारी और हत्या के बारे में बताते हैं। ये सिवान से सुनने को मिल रहा है, चंपारण में ऐसा कम सुना था। पिछले एक महीने दो महीने से सिवान के बाद से मैं जो सुन रहा हूँ वो बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। सिवान में ये मैंने बात बहुत सुनी और अभी छपरा भी जब से मैं घुसा हूँ हर दिन मुझे लोग बता रहे हैं कि एक जो भय था कि महागठबंधन की सरकार में के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों में वो चीज भय थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुझे ये सुनने को इतना नहीं मिला था लेकिन सिवान में सुन रहा हूँ, सुना मैंने 35-40 दिन में, और अभी जब से मैं सारण छपरा में आया हूँ यहाँ पर भी ये बात सुन रहा हूँ। मोटे तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो पूरे 165 दिन में जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, कोई भी काम सरकार का ऐसा नहीं है जो बिना पैसे का पैसा दिए हुए बगैर हो जाए, और तीसरा सरकारी योजनाओं में व्यवस्थित तरीके से काटे जाने वाला पीसी, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य की योजना हो। तो ये जो तीन शब्द हैं अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये कमोवेश समाज में हर व्यक्ति बता रहा है। जनरली लोगों के मन में इस सरकार को लेकर उदासीनता या गुस्सा है। इस सरकार के लिए आज की जो बिहार की सरकार है, खासकर नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के तौर पर, लोगों के मन में कोई आशा, कोई अपेक्षा मुझे दिखती नहीं है, और या तो लोग उदासीन हैं कि इस सरकार से तो कुछ नहीं होगा, या फिर लोग गुस्से में हैं कि भैया इनको तो जरूर हटाना है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किससे बात कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार से कोई खुश हो या ये कह रहा हो कि देखिए भैया इस सरकार में अब नया क्या होता अगले 6 महीने में, ऐसी भावना मुझे कहीं नहीं दिखी। ये मेरा अभी तक का अनुभव रहा है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत